सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मैसेंजर के बारे में कि मैसेंजर से आप लोग मेटा एआई का जो ऑप्शन आता है उसको कैसे आप लोग हटा सकते हो, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर गाइस आपके भी मैसेंजर के अंदर एआई का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है तो उसको कैसे आप लोग हटा पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पर पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, इसके साथ बेल आइकन को से जो से कर लेना। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस टाइप से यहाँ पे एआई का जो ऑप्शन होता है उसको आप लोग हटा पाओगे। तो गाइस देखो, अगर आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर या फिर मैसेंजर के अंदर यहाँ पे एआई का ऑप्शन आ गया है जिससे आप परेशान हो रहे हो, उसको आप लोग हटाना चाहते हो तो कैसे हटा सकते हो, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। उसके लिए गाइस आपको करना क्या पड़ेगा, अपने फोन के अंदर कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है मैसेंजर और न्यू वर्जन या फिर सर्च कर सकते हो ओल्ड वर्जन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सर्च करो मैसेंजर ओल्ड, ठीक है, वर्जन। इस टाइप से जैसे सर्च करोगे आपके सामने काफ़ी सारा इंटरफेस आ जाएगा। आपको फर्स्ट में जो वेबसाइट मिलेगा इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि आप उसमें देख सकते हो। आपको यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को यहाँ से कोई सा भी एक वर्जन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल का आप लोग कर लेना, इसके अंदर आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो 20 अप्रैल का आप लोग अपडेट यहाँ पे कर लेना। अपडेट करने के बाद क्या होगा कि ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। उसके बाद क्या करना कि आप लोग यहाँ पे मैसेंजर एप्लीकेशन को क्या करना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको स्टेप से टैप करके इसको अनइंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे फ़ोन के अंदर ये रहा मैसेंजर, इसको दाब के रखते हैं, आई इन्फो में जाए, ऐप इन्फो में जाते हैं, अनइंस्टॉल पे क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी स्टेप्स अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फटाफट से अपने फ़ोन के अंदर जो भी ब्राउजर, ठीक है, उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। और ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, डाउनलोड वाले बटन पे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे फ़ोन के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है फेसबुक मैसेंजर। ठीक है, और इसको यहाँ से क्या करना, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको अपने फ़ोन के अंदर क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो एआई का ऑप्शन था मेटा एआई का वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और इसको मैं लॉगिन करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओल्ड वर्जन वाला है इसीलिए इसके अंदर भी शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैसेंजर का लोगो आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे तो यहाँ पे मेरा फेसबुक का जो होता है वो यहाँ पे आ चुका है। सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएगा ऑटोमेटिक से। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो कि फेसबुक के अंदर से, ठीक है, अपना जो एआई वाला ऑप्शन है उसको यहाँ से आप हटा सकते हो कुछ इस टाइप से। देख सकते हो यहाँ पे मेरा फेसबुक के अंदर कोई भी एआई का जो ऑप्शन है वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग शो कर रहा होगा। कुछ इस टाइप से आप लोग ओल्ड वर्जन वाला फेसबुक का जो मैसेंजर है उसको डाउनलोड करके ये वाला सेटिंग को यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो इनके लिए, बाय बाय, फंदे मातरम।